उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में शहरियों को दरियाओं, नदी नालों और साहिलों के करीब मोहतात रहने का मशवरा। टोरंटो एंड रीजन कन्वर्जेशन अथॉरिटी का कहना है कि बुध को 10 से 15 मिलीलीटर तक बारिश होने की तवक्को है। बारिश और पिघलती बर्फ टोरंटो में पानी की सतह में इजाफा कर रही है। अमेरिका का सियासी माहौल कनाडा को भी मुतासिर कर रहा है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के लिए ज़्यादातर खतरा अमेरिका में होने वाली सियासी कश्मकश से आता है। कनाडा का मीडिया और सोशल मीडिया माहौल अमेरिका से मुशाबत इख्तियार कर रहा है। कैनेडियन पार्लियामेंट हिल और सफारत खानों को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस की एक खसूसी टीम ने ओटावा के 19 साल शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने नवंबर में पार्लियामेंट हिल, एक वफाकी महकमे और दो सफारत खानों को धमकी दी थी। मुतादित ममालिक में चीनी मुसाफरों को कोविड टेस्टिंग चीन को बुरा लग गया। शहरियों पर सफरी पाबंदियों के खिलाफ चीन का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने जवाबी इकदाम की धमकी दे दी। इसराइली वजीर आजम मुकदस मकामात की हैसियत बरकरार रखने के अहद पर कायम रहे। अमरीका का कहना है कि मुकदस मकामात से मुतालिक सूरत हाल जू की तू रहने की हिमायत करते हैं। तुर्किया की भी इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की मजम्मत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो के रिहायशियों को खबरदार किया जा रहा है कि वो दरियाओं, नदी नालों और साहिलों के इर्द गिर्द मोहताद रहें, क्योंकि इस हफ्ते होने वाली बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के रिहायशियों को खबरदार किया जा रहा है कि वो दरियाओं, नदी नालों और साहिलों के इर्द गिर्द मोहताद रहें, क्योंकि इस हफ्ते होने वाली बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद हो सकती है। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी आवाम पर जोर दे रही है कि वो तमाम आबी ज़खायर के इर्द गिर्द मोहतात रहें, क्योंकि ग्रेटर टोरंटो एरिया में दरियाओं में पानी की सतह बदल रही है। टोरंटो में बुध को 10 से 15 मिलीमीटर तक बारिश होने की तवक्को है। ये सतह मंगल को होने वाली बूंदाबांदी के बाद सबसे ऊपर है। TRCA ने पीर को एक बयान में कहा कि खित्ते में मट्टी पहले ही कुछ जगहों पर सेर हो चुकी है और कुछ जगहों पर जुज़वी तौर पर जमी हुई है, और पानी की सतह अब भी हफ्ते के आखिर में होने वाली बारिश से कम हो रही है। हफ्ते के रोज टोरंटो में तकरीबन 25 से 30 मिलीमीटर बारिश हुई। एजेंसी ने कहा कि उन सब का मतलब ये है कि नदियों के निज़ाम में बहाव में इजाफा मुतवक्के है। TRCA की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त पानी के अंदर या उसके आसपास तमाम तफरीही सरगर्मियों से गुरेज करें और बराह करम एहतियात बरतें। अगर आपको पानी के किसी भी जखीरे, नदियों या नदियों के साथ साथ झील ऑन्टेरियो के साहिल के आसपास मोहतात होना ज़रूरी है। किसी खास सैलाब की तवक्को नहीं है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि GTA में तमाम साहिलों, नदियों और नालों को ख़तरनाक समझा जाना चाहिए। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है जिनमें निकासी आप की खराबी है, और लोगों से अपील की जाती है कि वो ऐसे इलाकों से गुरेज करें जो हाल ही में बर्फ में ढके हुए हों या कटाव का सामना कर रहे हों। अमेरिका में मुकीम एक तहकीकी ग्रुप जो जियोपॉलिटिकल खतरे का अंदाजा लगाने में महारत रखता है, कहता है कि कनाडा में ऐसी सियासी छूत और पोलराइजेशन के असरात दिखाई दे रहे हैं जिसने अमरीकी सियासत को मुतासर किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अमेरिका में मुकीम एक तहकीकी ग्रुप जो जियोपॉलिटिकल खतरे का अंदाजा लगाने में महारत रखता है कहता है कि कनाडा में ऐसी सियासी छूट और पोलराइजेशन के आसार दिखाई दे रहे हैं जिसने अमेरिकी सियासत को मुतासिर किया है। ये इंतबाह यूरेशिया ग्रुप की नए साल के लिए सालाना टॉप रिस्क रिपोर्ट में मौजूद है जो मंगल को जारी की गई है। इस ग्रुप ने दुनिया भर में सियासी हंगामा आरआई से मुतासरा ममालिक कनाडा, जापान और ब्राज़ील के बारे में 3 अलग अलग ज़ेरी रिपोर्टें तैयार की हैं। ताहम अगरचे कनाडा जुग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम के खतरात के लिहाज से कंसल्टेंसी के टॉप 10 में शामिल नहीं है। न्यूयॉर्क में मुकीम तंजीम के सदर अयान ब्रिमर ने कहा कि कुर्रे अर्ज को दरपेश नंबर 1 जुग्राफियाई सियासी खतरा रूस आखिरकार दुनिया की सबसे खतरनाक बदमाश रियासत बनता जा रहा है। तजिए के मुताबिक कनाडा के लिए ज्यादातर खतरा रियासत हाई मुतहदा में होने वाली सियासी कशमकश से आता है जिसे ब्रिमर ने अमरीका की तकसीम शुदा रियासतों के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और पूरे अमरीका में जहरीला सियासी कल्चर सरहद पार से फैल रहा है और आने वाले साल में इसके मजीद खराब होने का इम्कान है। कनाडा में मीडिया का माहौल और कनाडा में सोशल मीडिया का माहौल तेजी से रियासत हाई मुतहदा में मीडिया और सोशल मीडिया के माहौल से मुशाबहत इख्तियार कर रहा है। ये गैर फाल है, ये गलत मालूमात से भरा हुआ है, ये गहरा पोलराइड है। लोगों का एक ग्रुप है जो औसत कनाडा की अक्कासी नहीं करता है। दोनों ममालिक में औसत अमरीकी की अक्कासी नहीं करता है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी इत्तेहाद की कीमत पर सियासी फायदे के लिए कनाडा में पॉलिसी मसाइल खास तौर पर तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों को हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि कनाडा मौशी तौर पर मुस्तहकम अच्छी तरह से काम करने वाली सियासी जमहूरियत है, लेकिन ब्रेमर ने कहा कि वो एक ऐसा मंजर देख रहे हैं जहाँ अल्बर्टा और ऑन्टेरियो जैसे सूबे कनाडा की वफाकियत की कीमत पर हम ख्याल अमरीकी रियासतों के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट हिल और सफारत खानों को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट हिल और सफारत खानों को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की खसूसी टीम ने ओटावा के एक 19 साल शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने नवम्बर में पार्लियामेंट हिल एक विफाकी महकमा और दो सिफारत खानों को धमकी दी थी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि एक मरबूत कौमी सलामती नाफिज करने वाली टीम ने 8 नवंबर को हिल महकमा कौमी दिफा और अमरीकी और चीनी सिफारत खानों के खिलाफ ट्विटर की धमकियों का इल्म हासिल किया। इस पर दहशतगर्दी की धोखादही फैलाने, पार्लियामेंट के अरकान और सिफारत खानों के अमलों को जान से मारने या जिस्मानी नुकसान पहुँचाने की धमकी देने और इमलाक को जलाने, तबाह करने और नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के 4 इल्जामात लगाए गए हैं। मकामी मीडिया की हासिल करदा अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इस शख्स को ट्विटर पर मुबैना धमकियों के 2 दिन बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर में अदालत में जमा कराए गए एक दस्तखत शुदा पुलिस एलामिया के मुताबिक इस शख्स ने मुबैना तौर पर धमाका खेस मवाद और जेट फ्यूल और एक माचिस के साथ मुतादित अमलाक को जलाने, तबाह और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इसे इस महीने अदालत में पेश होने के लिए कहा गया और उसे उन शराइत पर रिहा किया गया कि वो पार्लियामेंट और अमरीकी और चीनी सिफारत खानों के मुलाजमीन या अमले से बातचीत नहीं करेंगे। इस पर पार्लियामेंट हिल ग्राउंड के 50 मीटर के अंदर रहने पर भी पाबंदी है और इसे 2 सिफारत खानों या उन इदारों के किसी अमले के घर जाने की इजाज़त नहीं है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इस पर आतिशी असलाह या दीगर हथियार रखने पर पाबंदी है। मुलज़िम को 18 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश होना है। मुतअद्दिद ममालिक में चीन से आने वाले मुसाफरों के मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने के इकदाम पर चीन ने भी जवाबी इकदाम करने का इंतबाह जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतअद्दिद ममालिक में चीन से आने वाले मुसाफरों के मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने के इकदाम पर चीन ने भी जवाबी इकदाम करने का इंतबाह जारी कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के इस इकदाम पर तनकीद करते हुए कहा कि चीन से आने वाले मुसाफरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त साइंसी तौर पर बेबुनियाद और गैर मकबूल है। चीन की जानिब से मुतअद्दिद ममालिक में आने वाले मुसाफरों के मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने के इकदाम पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन से आने वाले मुसाफरों पर मनफी कोरोना टेस्ट के इकदाम की सख्त मुखालफत करते हैं। चीन से आने वाले मुसाफरों पर मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने पर जवाबी इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक में अक्सरियत चीन से आने वाले मुसाफरों के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करार दिए जाने की हिमायत कर रहे हैं। अलावा अजी आलमी माहिरीन सेहत ने तनकीद करते हुए कहा है कि चीन का सरकारी मीडिया मुल्क में कोविड-19 की नई लहर से मुतालिक केसेस
और अमवात के आदाद शुमार को कम जाहिर कर रहा है। वाज़ह रहे कि अमरीका, बरतानिया और भारत समेत मुतादित ममालिक चीन में कोरोना केसेस के फैलाव पर वहां से आने वाले मुसाफरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजमी कर चुके हैं। याद रहे कि चीन ने 3 साल बाद 8 जनवरी से कोरोना पाबंदियां नरम करके तमाम बॉर्डर खोलने का ऐलान कर रखा है। जीरो कोविड पॉलिसी में नरमी के मामले पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियों में इजाफा किया जा रहा है। अमरीका ने इसराइल से मुकद्दस मकामात की हैसियत बरकरार रखने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया है, जबकि तुर्किया ने इसराइल के कौमी सलामती वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की मजम्मत करते हुए इसराइल से खित्ते में कशीदगी बढ़ने वाले इकदामात रोकने का मुतालबा किया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। अमरीका ने इसराइल से मुकद्दस मकामात की हैसियत बरकरार रखने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया है, जबकि तुर्किया ने इसराइल के कौमी सलामती वजीर एतमार बैन गवीर की मस्जिद अक्सा के दौरे की मजम्मत करते हुए इसराइल से खित्ते में कशीदगी बढ़ाने वाले इकदाम रोकने का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने बयान में इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मुकद्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने के लिए किए गए वादों की पासदारी करें। उन्होंने मजीद कहा कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मुकद्दस मकामात की हैसियत को कमजोर करने वाला कोई भी यक तरफा इकदाम नाकाबिले कबूल है। अमरीका मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मुकद्दस मकामात के हवाले से सूरत हाल जो की तू बरकरार रखने की भरपूर हिमायत करता है। इसराइल के वजीर कौमी सलामती एतमार बिन गफीर के मस्जिद अक्सा के दौरे पर व्हाइट हाउस कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान का कहना था कि अमरीका यरूशलम में मुकद्दस मकामात की हैसियत के तहफ्फुज़ के लिए मजबूती से खड़ा है। तर्जुमान का कहना है कि यरूशलम के मुकद्दस मकामात को खतरे में डालने वाला कोई भी यक तरफा इकदाम नाकाबिले कबूल है। अमरीका का बयान इसराइल के इंतहा पसंद वजीर के मस्जिद अक्सा में घुसने की इश्तियाल अंगेज हरकत के बाद सामने आया है। दूसरी जानिब तुर्क वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली वजीर के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर गहरी तशवीश है। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि इसराइली वजीर एतमार बैन ग्योर के मस्जिद अक्सा के इश्तियाल अंगेज दौरे की मजम्मत करते हैं। इसराइल मुकद्दस मकामात की हैसियत और तकद्दस की पामाली करने वाले इश्तियाल अंगेज काम ना करे और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने वाले इकदाम रोकने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।